उसे दो दिशा में ढूंढ लिया, परंतु दो दिशा बाकी है, कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर भी जब तक मैं चारों दिशा में न ढूंढू तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि शादी की सवाल है। शादी के लिए मेघा सिंह बहुत कष्ट किया है सारा रात, परंतु अभी शादी होने वाली है सिर्फ एक ब्राह्मण के लिए। क्या उस ब्राह्मण को छोड़ करके मैं चला जाऊं? अगर पताल में अगर वह ब्राह्मण होंगे तो मैं उसे ढूंढ कर अपने उसरी में अवश्य ले जाऊंगा। इसलिए अब एक दिशा बाकी रह गया है। नैन पसारा ये खोज पंडित को, मैं जाकर उसे ढूंढता। अब तो लगता है बिल्कुल मैं पंडित का भेष पकड़ लिया हूं। मुझे तो मेघा सिंह पहचान नहीं सकता है, बिल्कुल पंडित का जैसा स्वभाव कर लूंगा जो कि उसे महसूस ना हो। जन्मा बची सबके बेच के की करे छिया?
को चश्मासी को घारी आ फोंटर पेन सामने देख रहा हूं तम्बाकुल लगा रहे हैं, पंडित का भेष देख रहा हूं, परंतु त्रिपुल चंदन भी दिखलाई मुझे दे रहा है। गौर से देखो कि मैं कौन हूं। मुझे तो सीधे खड़ा हो जाओ। देखिए जजमान, हम तो रोज के रोज आकर के इस चौराहे पर बैठते हैं, कोई इधर से जजमान आते हैं, कोई इधर से जजमान आते हैं, सबको पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, उसी से मेरा बाल बच्चे का भोजन चलता है। अच्छा, इसलिए मैं काशी का पंडित हूँ। बस ऐसा ही पंडित का मुझे तलाश था, ऐसा ही पंडित का। जहोरे, तुम शुद्ध ब्राह्मण हो? पूरा आर्वा पंडित है, हम बाल ब्रह्मचारी है, इसमें कोई कसर नहीं है। सुनो, शादी करवाना जानते हो? हाँ, शादी हो शराब है, शादी भी कराते हैं, उपनयन भी कराते हैं, सुंदर कांड हुआ उसका भी संकल्प करा लेते हैं, हाँ, जितना भी पूजा पाठ श्रीमद् भागवत कथा कहाना हो वो भी हम कहेंगे। पंडित पक्का? सुनो, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं करवाना है। अच्छा, सिर्फ मुझे शादी करवाना है। ठीक है, तो शादी का? शादी करवाना जानते हो? जानता हूँ। देखो, मैं दूल्हा जैसे लगता हूँ? बिल्कुल। छोड़ो ब्राह्मण, अगर चला गया तो काम बिगड़ जाएगा मेरा, इसलिए पंडित को सीधा घिरनी की तरह लिपटूंगा और सीधा उसी उसी में ले जाकर के पटकूंगा। ऐ पंडित, हस्त रेखा देख पहले मेरा। हस्त रेखा देखूं? अच्छा, कहीं कलेजा फट जाएगा, फिर कौन शादी कराएगा? ये सब मैया की देन है, सब मैया के आशीर्वाद से मैं करता हूँ। छोड़ो, मुझे शादी करना है, वो भी चट मंगनी पट बिया। लेकिन शादी के लिए बीज से विवाह भारी होता है, आप लोग भी जानते हैं। हाँ हाँ, इसमें सामग्री चाहिए शादी के लिए, वो सब नोट कर लीजिए, वो सामग्री नहीं होगा तो शादी अधूरी रह जाएगी।
ये बताइए ये पहली शादी है कि दूसरी शादी है? ए ब्राह्मण, हम राजपूत राठौर है। राजपूत राठौर जो होता है एक नारी नहीं उसमें भी राजा महाराजा हूं मैं। जिस नारी पे कौदृष्टि पर जाती है उससे हासिल करके अपने राजरानी बना लेता हूं। दूसरी शादी है मेरा। अच्छा, दूसरी शादी के लिए तो और ज्यादा सामग्री चाहिए महाराज। सुनिए, पहले नोट क्या चाहिए सामग्री। पंडित जो कह रहा है सारे सारे सामग्री को नोट करो। सुनिए महाराज, सर्वप्रथम सबसे पहले जो तिल फूल माला अच्छा दही इत्र गुलाब ये सब चाहिए। अच्छा, इसके बाद में दुल्हन के लिए नवीन वस्त्र चाहिए, दुल्हा के लिए नवीन वस्त्र चाहिए, पंडित के लिए धोती कुर्ता कमीज अभी तक गंजिए पर आए हुए हैं, सब कुछ मिलेगा। अच्छा ठीक, ये सब चाहिए। और ब्याह के लिए सबसे पहले चाहिए दो कच्चा बांस। दो कच्चा बांस लेकर क्या करोगे? उसी को उसको मरवा बनाएंगे, मरवा। तो ऐसे बोलो, इसके बाद मरवा बनाऊंगा। इसके बाद में 22 हाथ मार्किंग का सफेद कपड़ा चाहिए। 22 हाथ सफेद कपड़ा लेकर क्या करोगे? उसको ओढ़ा उसको कपर कोट लगाएंगे मरवा को। ऐसे बोलो कि कपर कोट लगाना है, नोट किया जाए। इसके बाद में एक नया माटी का हाड़ी चाहिए। नया माटी का हाड़ी लेकर क्या करोगे? उसमें दीप जलाएंगे। हमारे घर में दीप जलेगा मरवा पर। बहुत समझदार पंडित है, बहुत समझदार है। इसके बाद में महाराज चार कौड़ी चाहिए। चार कौड़ी लेकर क्या करोगे? चारों चार कोना पर रखेंगे। दुल्हा दुल्हन जो कोहबर घर में जाएंगे आप लोग तो 25 नहीं खेलेंगे। क्या 25 खेलना पड़ेगा? और आगे बोलो। इसके बाद में आपको दूसरी शादी के लिए चाहिए बिहाया का फूल। बिहाया का फूल, हाँ बिहाया का फूल चाहिए। अगर बिहाया का फूल दूसरी शादी में नहीं होगी तो शादी सही नहीं होगा। मेरे बहादुर, बहुत पोखरी और नदी नाला है, जहां भी मिले तुम बिहाया का फूल लेकर के आना। अगर नहीं कहीं मिले तो शिव रतन मास्टर को दांत के नीचे है उससे खींच लेना। क्या नहीं महाराज, अभी खींच लूंगा। ठीक है महाराज, तब तक के लिए हम आते हैं काशी से। रक्षा बतक न शादी होगा ये मेरे घाटो। बोलाइए, मंगल गीत गवाइए और शादी का तैयारी कीजिए।
सब कुछ होगी। बेटी राजकली, राजकली खुश रहेगी। जाओ सारे सखी सहेली को ले आओ, और नई माँ जो मंथन करके बैठी है उससे भी मेरे बंगले के ऊपर ले आओ, क्योंकि अब शादी की मुहूर्त निकली जा रही है। मैं शादी करूंगा, यह बेटी बता मैं दुल्हा जैसे लग रहा हूँ? बहुत अच्छा, सुपर। वाह बेटी राजकली जब मेरा बेटी पसंद मुझे कर लिया कि पिताजी इज ब्यूटीफुल, तो मैं सबसे सुंदर दुल्हा हूं। हे राजकली, बोलिए पिताजी। जाओ जितने गीतनाथ वाली है उसे बुलाओ, हजाम को बुलाओ, क्योंकि मैं दुल्हा बनूंगा तो सारे बाल साल कटिन करवाएंगे, दाढ़ी मोछ बनवाएंगे, उसके बाद में और लाइट में आ जाऊंगा मैं। बैठ जाइए, मैं बुला रही हूँ।